वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं एसएससी दिल्ली पुलिस, जो कि दिसंबर 2017 के अंदर इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारा जनरल नॉलेज है उसकी हम तैयारी कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पहले जो हमारी एक और वीडियो आई है उसके अंदर हमने सबका यहाँ पे सिलेबस बता दिया था कि कौन कौन से यहाँ पे पोर्शन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको वहाँ पे अगर मैथ के बारे में देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। जनरल नॉलेज के भी हमने वहाँ पे डाले हैं और रीजनिंग के भी हमने पूरा सिलेबस वहाँ पे डाल रखा है। और इससे पहले हमने जो वीडियो डाली है मैं उसका लिंक भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे हमने पोर्शन बता दिए थे और आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कि हमारे जो जितने भी टॉपिक है उनके अंदर वो कितने कितने मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हम जनरल साइंस की। जनरल साइंस के अंदर देखिए आपके तीन पोर्शन रहते हैं, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायोलॉजी का। ठीक है दोस्तों, इन ये तीनों पोर्शन आपको यहाँ पे 10 नंबर के देखने के लिए मिलेंगे। और इनके अंदर से आप जो भी इन्वेंशन हुई है यहाँ पे उनको जरूर याद कर लेना, वो आपको यहाँ पे एक नंबर पक्का दिला के जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स की। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स का यहाँ पे रहेगा आपका 10 नंबर का। तो आप यहाँ से ऐसा करना, जो लास्ट के 3 मंथ्स की करंट अफेयर है वो तो पक्का कर लेना। ठीक है दोस्तों, उनके अंदर से आपको बहुत सारा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और देखिए हमारे चैनल के ऊपर भी हम यहाँ पे करंट अफेयर करवा रहे हैं और सारे आपको यहाँ पे हिंदी में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आपको नवंबर का पूरा मिल जाएगा और अगर आपको यहाँ पे अक्टूबर का और सितंबर का भी चाहिए तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमें कमेंट करोगे तो हम मैं उनकी वीडियो भी जरूर डाल दूंगा, वो फुल मंथ की होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे स्टैटिक्स अफेयर की। स्टैटिक अफेयर्स के अंदर यानी कि कोई भी लिटिल जो चेंज होता है, ठीक है, वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, वो पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफिकल हो, इकोनॉमिकल हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, जो भी चेंज होता है वो स्टैटिक्स अफेयर के अंदर आता है, तो ये भी हमें यहाँ पे 5 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी का भी हमें यहाँ पे 5 नंबर का मिलेगा, जिसके अंदर देखिए आपको पूरी मैप की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे पूरा यूनिवर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, माउंटेन्स होगी, रिवर्स होगी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, तो उन सबको आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री की। हिस्ट्री के अंदर देखिए वैसे तो सारे ही पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मध्यकालीन भारत की बात करूँ, ठीक है दोस्तों, मध्यकालीन भारत की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा पोर्शन देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के अंदर हो गया, ठीक है, फिर बाबर आ गए थे, तो वो सारा यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप मध्यकालीन भारत और मॉडर्न जो इंडिया है, आधुनिक भारत, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो यहाँ से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पे 5 नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर भी देखिए सिंपल सिंपल टॉपिक आते हैं और सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये भी यहाँ पे इसके अंदर से भी आप नंबर बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी हमारा 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी का और जो हमारा ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों साथ ही रहते हैं, तो आप ये मान के चलो जो हमारी पॉलिटी आएगी वो हमारी 10 नंबर की आएगी। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर वो हो गए और 5 नंबर ये हो गए, तो दोनों को मिला के हमें यहाँ पे 10 नंबर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ये 10 नंबर यहाँ से भी पक्के होने चाहिए, तो टोटल हो गया यहाँ पे 50 नंबर। ठीक है दोस्तों, अब नंबर हमारे पास यहाँ पे 50 हो गए और ये हमारा एक पोर्शन है, इससे अलग हमारे दो पोर्शन और है। ठीक है, जो हमारा रीजनिंग का रह गया और उसके बाद में एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का रह गया। ठीक है दोस्तों, और आपको यहाँ पे जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जितना करना है यहाँ पे जीएस के अंदर कम से कम टाइम लेना है और इस पार्ट को सबसे पहले आपको सोल्व करना है। ठीक है, इसके अंदर से आप को जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कर लीजिए और जितना हो सकता है तुक्के कम मारिए। ठीक है, आप जिसके ऊपर एक्यूरेट हो उसी को यहां पे टिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया हमारा जनरल अवेयरनेस का। जो हमारी अगली वीडियो रहेगी वो रहेगी रीजनिंग के टॉपिक के ऊपर, कि कितने कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कितने नंबर्स के रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।